नमस्कार, आज हम बनाएंगे चिली चना, चटपटे, कुरकुरे और हल्की सी मिठास वाले। आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं। ये आधा कप काबली चना, इनको हमने धोकर ओवरनाइट भिगोकर लेना है। ये भीगे हुए चने और भीगने के बाद ये आधा कप चने लगभग डेढ़ कप चने बन गए हैं। अब इन चनों को उबलने के लिए कुकर में डाल देते हैं। आधा कप पानी और ये आधा छोटी चम्मच नमक मिक्स कर देते हैं। कुकर बंद कर देंगे और एक सीटी आने तक चने उबलने देते हैं। कुकर में सीटी आ गई है, फ्लेम को धीमा कर देंगे और धीमी फ्लेम पर इन्हें दो मिनट और कुक होने देंगे। कुकर में एक सीटी आने के बाद घड़ी से देखकर इन्हें धीमी गैस पर दो से तीन मिनट उबालें। ज़्यादा बिल्कुल नहीं उबालना है। अगर ये ओवर कुक हो गए तो ये उतने क्रंची नहीं बनेंगे। इन्हें धीमी गैस पर दो मिनट उबाल लिया, अब फ्लेम को बंद कर देते हैं और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने देते हैं। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया, इसे खोल लेते हैं और ये चने चेक करते हैं। तो एक चना उठाएंगे और देखिए, दबा के अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं और ये ओवर कुक बिल्कुल नहीं है। एक एक चना एकदम साबुत है, ऐसे ही हमें चाहिए थे। इनको डालते हैं एक छलनी में। इनमें से पूरा पानी हटा देंगे और ये चने डाल देते हैं प्याले में और इन्हें हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। ये थोड़े ठंडे हो गए, अब इनमें डालते हैं कॉर्नफ्लोर एक टेबल स्पून और ये दो टेबल स्पून, मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर की कोटिंग इनके ऊपर अच्छे तरीके से आनी चाहिए और हल्के हाथ से इस तरीके से भी चला सकते हैं ना। चने एकदम परफेक्ट उबले हैं तो ये टूटेंगे भी नहीं। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाल देते हैं और अच्छे तरीके से इन्हें हिला लेते हैं। और ये देखिए, चने कितने अच्छे तरीके से कोट हो गए। चने के ऊपर कॉर्नफ्लोर लगने के बाद में इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, इससे इनके ऊपर कॉर्नफ्लोर सेट हो जाएगा। हमने ऑयल गरम करने रख दिया था, ये गरम हो गया है। इस तरीके से ऑयल के ऊपर हाथ रखें तो अच्छी हीट आ रही है और इन्हें तलने के लिए हमें अच्छा गरम चाहिए तेल। एक चने को इसमें से डालते हैं और देखिए ये कितना अच्छे तरीके से सिक रहा है, अच्छे बबल आ रहे हैं। तो ये चने तलने के लिए डालते हैं। इन्हें तलने के लिए डाल दें और 2 मिनट तक बिल्कुल टच ना करें। इसके बाद हल्के हाथ से चला दें और जब ये तैर कर आ जाए, ये सिककर तैयार है। इन्हें बहुत देर तक चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन्हें तलते हुए 1 मिनट हो गया है, थोड़ा चला देते हैं और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इन्हें हल्का सा कलर चेंज होने तक तलना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये कुक्ड है, बस इन्हें ऊपर से क्रिस्प करना है। ये चने देखिए तैर कर आ गए हैं सारे और हल्का सा इनका कलर भी चेंज हो गया है, ये सिक चुके हैं। इन्हें मैं पहले इस छलनी में रख लेती हूँ निकाल निकाल के, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में वापस चला जाए। और ये देखिए कितने क्रिस्प है ये। बचे हुए चने भी इसी तरीके से तल लेंगे। देखिए ये भी तैर कर आ गए, तल चुके हैं, निकाल लेते हैं इनको भी। अब इनके लिए सॉस तैयार करते हैं। ये 1 टेबलस्पून ऑयल, गरम तेल में डालेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक ग्रेट किया हुआ और ये 2 हरी मिर्च लंबाई में काट कर लिए हैं। ग्रेटेड अदरक की जगह आप 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट ले सकते हैं। ये 1 शिमला मिर्च कटी हुई, हल्का सा भून लेंगे, फ्लेम तेज रखेंगे। बस 1 मिनट भूनना है। ये हो गए, ये क्रंची रहेंगे तभी अच्छे लगेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं सॉसेस। 1 छोटी चम्मच सोया सॉस, 1 छोटी चम्मच विनेगर और 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस, मिक्स कर देंगे। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च।
आप इसकी जगह रेड चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं। एक चौथाई छोटी चम्मच ताजा क्रस्ट काली मिर्च, इनसे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और इन सॉसेस मसालों के लिए एक चौथाई छोटी चम्मच नमक, चने में तो हमने पहले से ही डाला हुआ है। इसमें हमने एक छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है, 2-3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से घोल लेंगे। बस एक छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर ही लीजिए और ये पानी इसमें डाल देते हैं और इसे 2 मिनट कुक कर लेते हैं। इससे ये सॉस गाढ़ा हो जाता है और बहुत टेस्टी भी हो जाता है। ये अच्छे तरीके से कुक हो गया। अभी चने इसमें डाल देंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। फ्लेम को एकदम धीमा रख लेंगे। अब थोड़ा सा हरा धनिया। चटपटे चिल्ली चना सर्व करने के लिए तैयार हैं। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस 3 बातों का ध्यान रखना है। चने को उबालते समय ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। जब आप इनमें कॉर्नफ्लोर डाल दें, इन्हें कोट कर लें, तो 5-7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तलते समय आपको फ्लेम तेज़ रखनी है, अच्छे गर्म तेल में इन्हें तलना है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी चिल्ली चना बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।